करनाल के उपमंडल कार्यालय इंद्री में हरियाणा प्रशासनिक अधिकारी सुमित सिहाग ने दूसरी बार आज एसडीएम के पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा एसडीएम करनाल के पास उपमंडल इंद्री के एसडीएम पद का अतिरिक्त कार्यभार था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इंद्री एसडीएम का दायित्व संभाला है, वह इसको ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इंद्री सब डिवीजन के लिए जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, वह किसी भी समय उसके ऑफिस में आकर समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूं का सीजन अगले महीने से शुरू होने जा रहा है, गेहूं की खरीद सुचारू और सही ढंग से चले इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सुमित सिहाग ने कहा कि जो फोर लाइन का कार्य इंद्री करनाल लाडवा धीमी गति से चल रहा है उसको भी तेज गति से किया जाएगा। सुनिए एसडीएम सुमित सिहाग ने क्या कुछ कहा। मैंने इंद्री में बतौर एसडीएम ज्वाइन किया है, ये मेरा इंद्री में दूसरा टेन्योर है। इससे पहले भी मैंने यहाँ इंद्री में मुझे सेवा करने का मौका मिला है, तो ये जो दोबारा मुझे मौका मिला है इसमें मैं पहले से भी बेहतर कार्य करने का प्रयास करूँगा। इंद्री की जितनी भी समस्याएं हैं जो भी मेरे सामने आएंगी किसी भी माध्यम से मेरे सामने, अगर इंद्री की या हल्कावासियों की कोई भी समस्या आती है तो उसका मैं निवारण करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा सर, कल अपना मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी और कोरोना को लेकर के उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि भी कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंस को लेकर, तो क्या रूपरेखा रहेगी आगे? जो भी हमें गाइडलाइंस ऊपर से मिलेंगी, अब जैसा कि मैंने आज यहाँ ज्वाइन किया है तो सभी अधिकारियों की, सभी विभाग अध्यक्षों की, सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी और उनसे हल्के में कोविड को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के क्या हिदायतें फॉलो की जा रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई ढील तो नहीं बरती जा रही, तो उसके बारे में यहाँ पर मीटिंग ली जाएगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से ढिलाई करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हमें इसको जो है प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, जो हाइजीन हमें कोविड-19 के दौरान सरकार ने हमें बताई थी। अच्छा, कोई विजिट भी की जाएगी शहर की, कहीं कोई समस्या जिसमें गंभीर समस्या ना हो? जी बिल्कुल, शहर में विजिट की जाएगी रैंडमली और जो भी समस्या हमारे सामने किसी भी माध्यम से आएगी तो उसको निवारण करने का कंसर्न डिपार्टमेंट से टाई अप करके प्रयास किया जाएगा। तो गेहूं का सीजन भी आने वाला है सर, उसको लेकर के जी मार्केट कमेटी के अधिकारी कर्मचारियों से मीटिंग करके इस बारे में भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि क्या तैयारियां हैं, तो उस हिसाब से जो है पूरी तैयारियां गेहूं खरीद सीज़न के लिए कर दी जाएंगी। तो क्या मैसेज देना चाहिए आज, आज पहला दिन आप? मैं इंद्री हल्का वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोविड-19 की सभी हिदायतों की पालना करें, किसी भी प्रकार की ढील ना बरतें और जैसा कि मैंने बतौर एसडीएम यहाँ ज्वाइन किया है तो सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में आकर कभी भी किसी को कोई भी समस्या है, किसी भी विभाग की या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो वो मुझसे साझा करना चाहे यहाँ पर, तो वो मुझे आकर के संपर्क कर सकता है, हम उनका हर संभव प्रयास करेंगे निवारण करने के लिए। तो समय कुछ रखा गया ऑफिस का? देखिए ऑफिस में जो हमारे ऑफिस आवर्स हैं उसमें किसी भी समय आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक